यूपी में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान बढ़ती ही नजर आ रही है। मामला मंत्रियों के बीच भी गुटबाजी तक पहुंच चुका है। सोमवार को सीएम योगी ने आजमगढ़ में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसमें पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया था, मगर वो नहीं पहुंचे। हालांकि दूसरी तरफ राजभर सोमवार शाम को ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने जरूर पहुंच गए। लखनऊ में दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। राजभर ने इस मुलाकात की दो फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी की है। एक फोटो में दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। राजभर ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, आज लखनऊ के सात कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की। राजभर और केशव की इस मुलाकात को अब सियासी गलियारों में लामबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ने ही इन फोटोज को शेयर नहीं किया है, बल्कि मुलाकात की इन तस्वीरों को केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। वो लिखते हैं, आज लखनऊ के सात कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा को इसमें टैग भी किया है। आपको बता दें कि इसी महीने 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक थी। उसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच खुलकर तनातनी सामने आ रही है। इसी बैठक के अगले दिन केशव प्रसाद दिल्ली भी पहुंच गए थे। वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बात की थी। माना जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद दोनों के बीच दूरियां कुछ कम होंगी। हालांकि दो दिन में दो मामले देखने को मिले जहां ये खींचतान कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ ही रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष की ही तरह अपनी ही सरकार से सवाल भी पूछने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि इसमें रिजर्वेशन के नियम का कितना पालन किया गया है। केशव ने संविदा भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के शासनादेश का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि ये विभाग सीएम योगी के पास है। इसको लेकर केशव प्रसाद ने 15 जुलाई को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि विधान परिषद के प्रश्नों की ब्रीफिंग के दौरान कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्यरत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी दें, लेकिन ये जानकारी कार्मिक विभाग के पास थी नहीं। इसके अलावा सीएम योगी और केशव प्रसाद की तनातनी हाल ही में मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे के रिसेप्शन पर भी दिखाई दी। शनिवार को प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे की शादी का रिसेप्शन था। सीएम योगी और केशव प्रसाद कार्यक्रम में शामिल होने की प्रयागराज पहुंचे थे। सीएम ने कार्यक्रम में जाने से पहले प्रयागराज के सर्किट हाउस में अफसरों के साथ एक बैठक ली, लेकिन इस बैठक में केशव प्रसाद शामिल नहीं हुए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के रिसेप्शन में पहुंचने से पहले ही वो कौशाम्बी से निकल भी गए। इससे ये साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।